एवरीवन, हेलो पेजेस 717 चैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिकल क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग की लाइफ स्टोरी क्या है, आपके जीवन की कहानी क्या है। और यहाँ पर मैं पूरी एक स्प्रेड बनाऊंगी जिसे सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड कहते हैं, और उसी के बिहाफ पे मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखूंगी कि आप लोग की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है। सो इस रीडिंग को करने का मोटिव ये है कि आपको अपनी लाइफ को लेके क्लैरिटी मिले काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में। सो शुरू करते हैं रीडिंग। यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये सन स्टोन का टावर, ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये ब्लू एगेट कोस्टर, ओके। सो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो इन दोनों में से, आपने अपनी आंखें बंद करनी है, ईश्वर का ध्यान करना है, उनसे प्रेयर करनी है कि वो आपको रास्ता दिखाएं, आपको गाइड करें। फिर आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, या फिर नंबर से आप उनको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने सन स्टोन का टावर चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई आप लोगों के जीवन की कहानी, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, कैसी है, क्या कुछ फिलहाल आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, एंड उसके चलते क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। सो ये टावर को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही कार्ड से मैंने अलग अलग क्वेश्चन पुट करे हैं आप लोगों की लाइफ के लिए, एंड देखते हैं भाई। सो फर्स्ट कार्ड से यहाँ पे देखेंगे कि फिलहाल क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सो द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम इज आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं भाई। आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी अपनी लाइफ के चलते, बहुत सारी उम्मीदें दूसरों से लगाई, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया किसी सिचुएशन पे, किसी पर्सन पे, और एक होता है ना कि डिपेंडेंट हो गए कि हाँ भाई ये काम तो मेरा हो ही जाएगा यहाँ पे, है ना। और जैसे वो नहीं हुआ तो एक सपना सा टूटा, प्रॉब्लम हुई बहुत सारी आप लोगों को, कुछ अधूरा सा रह गया जैसे आप लोगों के लाइफ में। और बहुत ज़्यादा चीटेड सा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि मैं अब क्या करूँ, मैं आप लोग को इस एनर्जीज में देख रही हूँ कि मैं अब क्या करूँ। बहुत कुछ चल रहा है शोर लाइफ में, शांति नहीं मिल पा रही है, पीस नहीं मिल पा रही है, परेशान हो बहुत ज़्यादा, और बस चाहते हो कि फिलहाल जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे निकलने का कोई रास्ता यहाँ पे आप लोगों को मिल जाए। द नेक्स्ट कार्ड इज़ द हर्मिट। और ये मैंने पूछा था कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में चल रही है। सो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग अपने से ज़्यादा ना दूसरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हो, दूसरे लोगों ने क्या कह दिया आप इस बात को ज़्यादा सुनते हो बजाय कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है। जिस दिन आप लोग खुद पर विश्वास करना सीख गए, जिस दिन आपने अपने अंतर मन में झांक लिया, जिस दिन आपने अपनी सोल की सुनना शुरू कर दिया, अपनी इंट्यूशन को एनहेंस करना, इंट्यूशन को एनहेंस करके आपने अपनी इंट्यूशन की सुनने लग गई, अपने ऊपर ट्रस्ट किया, उस दिन आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉर्ट होती चली जाएंगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों को भाई, अगर आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि भाई ध्यान करो, आपने ही अपनी लाइफ में शायद कुछ गलत डिसीजन ले लिए, कुछ ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, राइट। तो अभी ये गलतियां दोबारा नहीं हो आपकी लाइफ में आके, तो इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्यान करना शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो,
अपने अंदर उतरो, अपने भीतर उतरो, आपके सारे सवालों के जवाब आपके ही अंदर हैं। लेकिन ये एक जर्नी है भाई, ये आपकी खुद की जर्नी है, ये एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है और यहाँ पर आप ही ने चलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि रिसेंट पास्ट में क्या कुछ हुआ है। दी एम्प्रेस की यहाँ पे एनर्जी है। सो रिसेंट पास्ट की अगर मैं आप लोग की बात करूँ तो शायद कुछ काम आप लोगों ने शुरू किया था, किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग थी यहाँ पे। लाइफ में जैसे सब कुछ ठीक सा चल रहा था, आपको लग रहा था सारी चीज़ें अब अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, लेकिन अगेन ना जैसे कुछ होते होते बिगड़ गया, कोई सपना सा जैसे यहाँ पे टूट गया आप लोगों का। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। प्रेजेंट में बस ये कहा जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखो, ये है एक्शन लेने का समय। ये घबराने का, रोने का, परेशान होने का समय नहीं है, ये है एक्शन लेने का समय, ये है कुछ कर दिखाने का समय। और साथ में भाई कुछ ऐसी चीज़ों से आपको दूरियाँ भी बनानी पड़ेंगी जो कि जो सिचुएशन या जो लोग आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन से आपको जैसे थोड़ा सा ना, मतलब कहा जा रहा है कि वो दूर जाना पड़ेगा, कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिसीजन लेने पड़ेंगे, एक्शन लेने पड़ेंगे अपने हाईएस्ट गुड के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। इसके बाद नियर फ्यूचर अगर यहाँ पर देखूँ, टेम्परेंस, वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट। तो भाई सीधी सी बात है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उनका समाधान तो आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। टेम्परेंस की यहाँ पे एनर्जी है, पीस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, सुकून आ रहा है, पेशेंस आपके अंदर आ रहा है और कहीं ना कहीं अपने जीवन को ना बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग समझ पा रहे हो कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ, उसमें क्या अच्छाई थी, उसमें आपके लिए क्या स्टोर था। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हो ना, वो क्योंकि यहाँ पे अपनी सोल से कनेक्ट कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंजल से यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, डिवाइन से यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं और एक पाथ, जैसे एक रास्ता आप लोगों को मिल रहा है कि अभी आपको कहाँ चलना है, आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। सो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर इज़ दी फूल। तो यहाँ पर दोबारा से नई शुरुआत होगी, दोबारा से आगे बढ़ो कि अपनी लाइफ में चीज़ें फिर से सही होंगी। एंड सी यहाँ पे कुछ तो बुन रहा है भाई, कुछ तो पक रहा है यहाँ पे, जैसे बिहाइंड दी सीन यहाँ पे यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए सोच रखी हैं एंड बहुत कुछ तो यहाँ पे होने वाला है, बहुत कुछ यहाँ पर आप लोग अचीव भी करोगे। लेकिन फिलहाल एक लर्निंग का टाइम पीरियड है, यू नो कभी कभी लाइफ में जैसे टाइम पीरियड आता है ना कि जब हमें खुद के ऊपर ही ध्यान देना है, यू नो बाहरी सक्सेस से पहले हमें अपने आप को बैलेंस करना है, हमें अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, हमें सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देना है, हमें सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान देना है, हमें हमारी मेंटल हेल्थ को पहले अच्छा रखना है। तो वैसी एनर्जीज अभी आपके लिए है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपना ख्याल रखो, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक होती चली जाएंगी। पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, टू ऑफ वॉन्ट्स, मूवमेंट के बारे में सोच रहे हो, चेंजेस के बारे में सोच रहे हो और आपको पता है भाई चेंजेस तो आपको करने ही पड़ेंगे, डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। सो यही जो चीज़ें हैं ना वो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे मैसेज मिला है कि कुछ लोग के घर में शायद वास्तु दोष हो सकता है, तो आप लोग चाहो तो किसी वास्तु एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हो। देखो मुझे अभी इतना नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिला है तो मैं उन्हीं के लिए गाइडेंस दे रही हूँ। कुछ लोग अपना घर चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप लोग करेंटली रह रहे हो वहाँ की या तो एनर्जीज अच्छी नहीं है, एनर्जीज पॉजिटिव नहीं है, तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो कुछ चेंज करना है, कुछ शिफ्ट करना है आप लोगों को, तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही हैं। इसके साथ में यहाँ पे आपके आसपास की एनर्जीज़ कैसी हैं, द मैजिशियन यहाँ पे है। सो भाई आपकी आसपास की जो एनर्जीज़ है, मैं सच बताऊँ तो एंजल्स आपके साथ हैं भाई, ठीक है। और ये ना आपके, अगर मैं बोलूँ तो आपके साथ ऐसा हो रहा होगा जैसे आप अपना यूट्यूब ओपन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोज़ आपके सामने आ रही है, आप अपना इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हो, फिर वहाँ पे कुछ ऐसे रेमेडीज़ आपको बताई जा रही हैं, कुछ टेक्निक्स बताई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फ्रिक्वेंटली देख रहे होंगे, कभी एंजल्स नंबर आपके सामने आ रहे हैं, एंजल नंबर्स, तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ ऑप्शन फर्स्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही होंगी। रीज़न ये है कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे पूरी कायनात जुट जाती है ना, ये ब्रह्मांड कि ये जो शक्तियाँ हैं ये जुट जाती हैं आपको आपके पर्पस से कनेक्ट करने के लिए। तो वैसे ही कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है कि सो दैट आप सही डायरेक्शन पे आ सको ना, तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो नेचुरली अनफोल्ड हो रही हैं, जो आपके हाथ में नहीं है।
और आपसे कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, आप पॉजिटिविटी लेकर आओ, आप मेडिटेशन करना शुरू करो, आप मैनिफेस्टेशन सीखना शुरू करो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानो, आप हीलिंग के बारे में यहाँ पे जानो। आप ये मत सोचो कि हाय मेरी किस्मत ऐसी है वैसी है, आप खुद से कहो नहीं मेरी लाइफ है और मैं इसे चेंज करके रहूँगी, राइट? सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी विल पावर को जगाओ, अपने अंदर वो मोटिवेशन को जगाओ। यहाँ रोने का पछताने का वक्त नहीं है, यहाँ पे अभी कुछ कर दिखाने का वक्त है। सो ये कार्ड बताएगा कि आपके अंदर कौन से डर हैं। तो डर तो बस यहाँ पे न्यू बिगनिंग का है। मैंने कहा ना कि आप लोग को हमेशा ऐसा है कि मुझे एक सपोर्ट चाहिए, मुझे एक सहारा चाहिए या दूसरों का साथ चाहिए, लेकिन अभी ये जो जर्नी है मैं आपको बताऊँ, आपको अकेले तय करनी है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है? अपने ऊपर भरोसा करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने आप से प्यार करना है और अपने ऊपर विश्वास करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है एंड दिस कार्ड इज़ फॉर योर लाइफ लेसन। सो लाइफ लेसन यहाँ पे 10 of Cups है भाई। तो मैसेज बस पता है क्या है कि ये ना जिंदगी में धूप छाँव जो है वो चलती ही रहती है, कभी खुशी कभी गम, कभी सुख कभी दुख, है ना, सब कुछ चलता रहता है। तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहो ऑप्शन फर्स्ट। ये नहीं हाय मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, ये चल रहा है वो चल रहा है, नहीं। अपनी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना उनको काउंट करो, पॉजिटिव चीज़ों को काउंट करो और उनके लिए जितना आप ग्रेटफुल रह सकते हो अपना ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को एक्सप्रेस करो, ठीक है? ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। बाकी देखो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में मैं बता दूँ बहुत कुछ अचीव भी करोगे, ठीक है? आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी, लेकिन बैलेंस का गुण जो है वो आपने सीखना पड़ेगा, सब चीज़ों को बैलेंस करने का, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। देखते हैं एडिशनल कुछ गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए अब ऑप्शन फर्स्ट। डिसीट एंड वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, अगेन डिसीट का कार्ड है भाई। कुछ लोगों को ऑलरेडी किसी से काफ़ी तगड़ा धोखा डिसअपॉइंटमेंट मिल चुका है यहाँ पर, ओके? तो अभी ये कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, 10 of Cups की एनर्जी फिर से यहाँ पे आई है आप लोगों के लिए। फैमिली के रिगार्डिंग अगर आप लोगों की कोई भी विश है, ओके, मुझे घर लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो ज़रूर पूरी होगी। कुछ लोग शायद यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं, मुझे ये मैसेज मिला है। आप लोगों की विश भी यहाँ पे ज़रूर पूरी होगी। मैनिफेस्टेशन करो और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उसके लिए पॉजिटिव ज़रूर रहो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। डिसीट का यहाँ पे कार्ड है, तो एक मैसेज मुझे यहाँ पे अभी ये मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट की, अपनी गलतियों से सीखो, जो पास्ट में कर चुके हो वो आपको अभी दोबारा नहीं करनी है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है मनी रिलेटेड कोई लॉस हो गया हो, तो अपने पैसे को थोड़ा सा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सही जगह इन्वेस्ट करो, जहाँ पे कोई खतरा ना हो, जहाँ पे कोई लॉस होने के चांसेस नहीं हो, सेफली उसको इन्वेस्ट करो, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। बाकी तो बस ये है भाई कि अपने कुछ सीक्रेट्स हैं उनको सीक्रेट्स ही रखना, हर चीज़ हर किसी को रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है फिलहाल आप लोगों को, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और फिलहाल अपने करियर के ऊपर आप लोग ध्यान दो, ठीक है? ये यहाँ पे मैसेज है और देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट। ओपन कम्युनिकेशन मर्करी, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हियर्ड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वही कि अपने दिल पे आप लोगों ने कोई बोझ रख रखा है, किसी की बात आपको पसंद नहीं आती, आप लोग बहुत हेजिटेशन करते हो और शायद नहीं कहते होंगे, शायद यहाँ पे वर्गो एनर्जी हो सकती है बहुत सारे लोगों की, वर्गो टॉरस जेमिनाई भी हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप लोग को ओपन कम्युनिकेशन की नीड है, चाहे बात आपके रिश्तों की हो, चाहे बात यहाँ पे प्रोफेशनल हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्लियरली अपनी चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है, अपनी बात रखने की ज़रूरत है। मन में भी जब हम बहुत ज़्यादा अपनी बातों को दबाते हैं ना तो हमारी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो यहाँ पे सही तरीके से कम्युनिकेशन करिए और अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करिए, ठीक है? ये मैसेज यहाँ पर है। कुछ लोग का हो सकता है यहाँ पे थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक रहता हो,
तो आप लोग अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करिए, और आप लोग चाहें तो सोडा लाइट या फिर लेपिस लजुली, इन दोनों क्रिस्टल्स में से आप किसी को भी अपने लिए पिक कर सकते हो। ये दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। और देखते हैं एक कार्ड यहाँ पे क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट लेडी नादा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आप लोग बैलेंस खो देते हो भाई, जब आप किसी के लिए डेडिकेटेड होते हो ना, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो कि लो मेरी जान ले जाओ है ना। किसी से प्यार करते हो तो पूरा करते हो, ऑनेस्टी के साथ करते हो, ईमानदारी के साथ करते हो, सबका बहुत ख्याल रखते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि गिव एंड रिसीव में ना एक बैलेंस होना चाहिए, ओके? तो अपने आप को भी प्यार करो, सामने वालों को भी, सबको प्यार दो, लेकिन कुछ चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली कंसीडर करके, ओके? प्रैक्टिकल भी रहना है, मतलब दिल और दिमाग को साथ में लेकर चलना है। बेसिकली ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और आप लोग सेल्फ लव प्रैक्टिस ज़रूर करें भाई इस टाइम पे। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है, और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। दी माउस, यू मे फील स्मॉल बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई यही है ना, कॉन्फिडेंस की कमी है। अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो, दूसरों के ऊपर ज्यादा करते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि आपको शायद लगता है कि आप इनफ नहीं हो या आप में कोई कमी है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर विश्वास करो, खुद को छोटा नहीं समझना है। हालांकि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है इन केस अगर आपको लगता है तो, लेकिन मेहनत करने के ऊपर यहाँ पर विश्वास रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है, दी आंट लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर ए विटल पार्ट ऑफ द हिल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि आपको कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना है। ये एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ है, आप कभी भी अकेले नहीं हो। लेकिन ज़िंदगी के कुछ सफ़र ऐसे होते हैं ना कि जो हमें अकेले तय करने होते हैं, क्योंकि वो हमारी खुद का एक पर्सनल एक जोन होता है, वो हमारी खुद की एक पर्सनल ग्रोथ के लिए होता है। तो बस इतनी सी बात है, कुछ समय की बात है, अपने ऊपर विश्वास, ये साइकिल जो है ना, ये आपको पूरी बदल के रख देगी। इस साइकिल में आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, एक पर्सन बन के बाहर निकलोगे। तो ये सब भी ज़रूरी है। लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, वैन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, दी नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। ओके, सो अगर आपको कभी भी लगे भाई क्या परेशानी में हो, प्रॉब्लम में हो, बजाय लोगों के कान्हा जी को याद कर लेना, बजाय लोगों के ईश्वर को याद कर लेना, जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, यूनिवर्स, उनको याद कर लेना, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपने जैसे वो महाभारत देखी हो तो जो द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो आपको याद होगा कि उन्होंने जब तक कान्हा जी को याद नहीं किया था ना, जब तक उनसे हेल्प नहीं मांगी थी, वो सबसे हेल्प मांगती रही, किसी ने उनकी नहीं सुनी, ठीक है। कान्हा जी ने भी तब तक कुछ नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने कान्हा जी को याद किया, उनसे मदद मांगी, तो तभी उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि ईश्वर से कम्युनिकेट करो, भगवान जी से बात करो भाई। हमेशा ये नहीं भगवान जी मुझे ये दे दो, ये कर दो, ये कर दो, ऐसे कर दो। अपनी एक अच्छा अपना एक रिश्ता डेवलप करने की कोशिश करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, जैसे हम अपने दोस्त से अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं ना, बस वैसे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ चैलेंजेस आप लोग के सामने भी आ सकते हैं। तो कान्हा जी ये कह रहे हैं कि हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें, उसी के हिसाब से डिसीजन लें, उसी के हिसाब से काम करें। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो इस रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने ब्लू एगेट कोस्टर को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई आप लोगों की लाइफ स्टोरी क्या है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है।
एंड किस तरीके के इवेंट्स आप लोगों के लाइफ में चल रहे हैं, मेल एंड फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, साथ में रीडिंग टाइमलेस है। और इस रीडिंग को करने का मोटिव मेरा ये है कि आप लोगों को अपनी लाइफ को लेके क्लैरिटी मिल सके। तो देखो ये मैं आपको कैंडल में दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत दिखता है। ओके सो चलिए साइड से रख देते हैं इसको एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। तो यहाँ पे मैं 10 कार्ड निकालने वाली हूँ और 10 से मैं अलग अलग क्वेश्चन पुटअप करूंगी जो कि मैं आपको रीडिंग में बताती जाऊंगी। ओके सो देखते हैं, यहाँ से पहला कार्ड है रूट कॉज, यानी कि जो भी आप लोगों की लाइफ में फिलहाल चीज़ें चल रही हैं, अगर कुछ इनकेस प्रॉब्लम चल रही है तो रूट कॉज क्या है, एंड इट इज़ 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप लोग को ऐसा लगता है ऑप्शन टू कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है ना, मेहनत आप करते हो, काम आप करते हो और फेवर किसी और को मिल जाता है, रिजल्ट किसी और को मिल जाता है। बहुत बारी लाइफ में आपको ऐसा लगता है जैसे आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ जैसे लाइफ आपके फेवर में नहीं है या फिर से आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन टू में आप लोग के लिए पिक कर पा रही हूँ। लेकिन ये 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है ना भाई, ये ऐसी एनर्जी है कि कभी कभी लोग ना खुद को दूसरों से कंपेयर कर करके भी परेशान हो जाते हैं कि देखो उसकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, सब कुछ इतना परफेक्ट है, ये भगवान जी ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो यहाँ पे ऑप्शन टू आप लोगों से बस ये कहा जा रहा है कि अपने इस मोह माया में इतना नहीं उलझो। ठीक है, मैं आपकी पूरी रीडिंग देखूंगी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे गाइडेंस ये है भाई कि जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करोगे ना, जितना ज़्यादा आप सोचोगे, आपको कोई सिचुएशन इतना ही प्रॉब्लम देगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्या है, ये कार्ड से मैंने पूछा था कि क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वो है एस ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं नई शुरुआत करने से आप लोग डरते हो, चैलेंजेस से डरते हो, बहुत ज़्यादा पहले ही सोच लेते हो क्या होगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, और फिर थकार के मतलब कुछ शुरू नहीं करा है, कुछ स्टार्ट नहीं करा, लेकिन पहले ही डर के हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हो। तो कुछ चीज़ें अपने आप नहीं होंगी। ऑप्शन टू, अगर आप लोग को बदलाव चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ कर कर दिखाना है तो एक्शंस लेने पड़ेंगे, हिम्मत करनी पड़ेगी, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज़ पॉजिटिव यहाँ पर रहो। आप लोग सम टाइम मैं बताऊँ, ऑप्शन टू नेगेटिव रह रह करना, नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अननोइंगली अनवांटेडली मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहो। अभी कुछ लोग कहेंगे प्रिया बहुत मुश्किल है पॉजिटिव रहना, मेरे लिए तो क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं ऐसा कि मैं पॉजिटिव रहूँ। देखो पहले पॉजिटिव रहना शुरू करो, फिर लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी, लेकिन पहले आपने स्टेप लेना पड़ेगा यहाँ पे, अपने आप को हील आप लोगों को करना पड़ेगा। ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मिल रहा है। रीसेंट पास्ट ये कार्ड से मैंने पूछा था। सो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जस्ट लाइक कि आपको लग रहा था कि सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, लाइफ सुधर रही है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि प्रॉब्लम्स आ गई लाइफ में। आप लोग सबका साथ चाहते हो, सबका सपोर्ट चाहते हो, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हो, लेकिन शायद वो नहीं हुआ। कुछ लोग के घर में किसी तरीके की बर्थडे पार्टी हो सकता है, रिसेंटली गई हो, या कुछ एनिवर्सरी हो, या किसी तरीके का सेलिब्रेशन आप लोगों ने अटेंड किया हो, आप कुछ अपने पुराने दोस्तों से मिले हों, ये भी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन आप लोग अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा कभी कभी मिस करते हो कि पहले सब कुछ कितना अच्छा था, ये था वो था। यहाँ पे एक चीज़ ये कही जा रही है कि अपने प्रेजेंट में रहो, बिकॉज़ ये प्रेजेंट ही आपका है ना, तो पास्ट आपका है ना फ्यूचर पे आपका कंट्रोल है अभी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने आज के ऊपर फोकस करो। करंट एनर्जी थोड़ी सी आप लोग के लिए डिप्रेसिंग सी हो सकती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी फील कर रहे हो, उलझन में हो, मुझे आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, अपने आप को हील करो, मेडिटेशन करो। कुछ लोग के लिए यहाँ पे मेडिटेशन में बैठना भी अभी मुश्किल होगा, क्योंकि मन में जो थॉट्स चल रहे हैं ना वो शांति नहीं हो रहा है ना कुछ हर वक्त मन में चले जा रहा है, परेशान हो रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको।
आप लोगों को फिलहाल वो स्ट्रेस की जो एनर्जी इंटेंसिटी वो मैं फील कर पा रही हूँ ऑप्शन टू। सो यहाँ पे ऐसा है कि ऑप्शन टू, देखो आई नो सिचुएशन हो सकती है कि काफी वर्स हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट, इसे रिक्वेस्ट ही समझ लो मेरी तरफ से, कि अपने मन को शांत करो। ऐसे भी परेशान होके कुछ नहीं बदलने वाला ना, तो अपने मन को शांत करो, क्योंकि तभी आप बेहतर तरीके से सोच पाओगे, आप बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाओगे, एक्शन ले पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। लेकिन फिलहाल आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, मेडिटेशन करनी है, हीलिंग करनी है नियर फ्यूचर के लिए। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, और कोई इंसान से भी, किसी पर्सन से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जिनके आने से आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए, आपका यू नो काम करने का तरीका चेंज हो, आप किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएं, कोई मोटिवेशन आप लोगों को काम करने के लिए मिल जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर है, लेकिन अगेन देखो ये भी जो एनर्जीज है ना, ये ऐसी हैं कि डिसिप्लिन अपनी लाइफ में साथ के साथ लेकर आना पड़ेगा। ओके, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा। सो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सो ऑप्शन टू, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूँ तो एक ही चीज़ है, ये पता है क्या है, ये ओवर थिंकिंग है क्लियरली। तो अपनी इस आदत को तो आपको बदलना पड़ेगा भाई, और कोई रास्ता नहीं है, ओवर थिंकिंग की आदत को बदलना पड़ेगा। पॉजिटिव रहो, जब भी आपको थोड़ा लगे मैं पैनिक हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, दिन में 3 से 4 बारी डीप ब्रीदिंग ज़रूर करो, और एक बारी में कम से कम 15-20 बारी, 20 बारी, 20 काउंट तक आप डीप ब्रीदिंग करना। इनहेल, उसको थोड़ा होल्ड करना, देन एक्सहेल, इनहेल थोड़ा होल्ड करना, देन एक्सहेल, और आप देखोगे कि जब आप इस तरीके से करोगे तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाओगे, वो जो एंजाइटी हो रही है ना वो कम होगी। लेकिन कुछ लोग पता ही कैसे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ वो एक दिन करेंगे दूसरे दिन से भूल जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं है। ऑप्शन टू, आपको थोड़ा सा यू नो वो डिसिप्लिन में लेकर आना पड़ेगा खुद को, कि अगर मुझे अपनी लाइफ को बदलनी है तो मुझे रेगुलर वे में डिसिप्लिन में रहकर इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे चीज़ें, एक दिन मेडिटेशन करने से कोई हील नहीं होगा, जब आप उसे अपनी आदत बना लोगे ना, तब आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने, और ये हीलिंग का प्रोसेस ऐसा है कि मुझे 4-5 साल हो गए लेकिन मैं स्टिल हील कर रही हूँ, तो ये चलता रहता है। ओके, इसके साथ में ऐसा है, अगेन वही मैसेज मिल रहा है ऑप्शन टू के, पॉजिटिव रहना सीखिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ एंड इसके लिए यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड आया है, तो भाई प्यार तो ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, करियर को लेकर हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो या जो भी कुछ हो, लेकिन प्यार ज़रूर मिलेगा आप लोगों को आपकी लाइफ में, सपोर्ट, प्यार, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, या लव लाइफ ऑल ओवर मैं बताऊं अच्छी रहेगी। शुरुआती में प्रॉब्लम आ सकती है, या शुरुआती में हो सकता है भाई कि यू नो आप लोग शुरुआती में अपने कार्मिक पर्सन से भी मिले, लेकिन बाद में आप अपने सोलमेट को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ में आप लोग की बहुत भाई बहुत हैवी एनर्जीज हो रही हैं ऑप्शन टू आप लोग की, सीरियसली सराउंडिंग एनर्जीज यहाँ पे दी, स्टार का कार्ड है, तो सराउंडिंग एनर्जीज ऐसी हैं कि आप लोगों के लिए अगेन इतनी स्टार यू नो अपने आप में हीलिंग को बताता है, ये कहता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को फॉलो करो, होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो, यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट करो, कि बुरा वक्त भी निकल जाएगा, आपकी विशेस भी पूरी होंगी, खुशियाँ भी आपकी लाइफ में आएंगी, सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन खुद को हील करो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फियर एंड चैलेंजेस के लिए है डेथ का कार्ड, एंडिंग से डर लगता है, और यू नो जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ऑप्शन टू, आप अपने मन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को खुद ही बुनते रहते हो, खुद ही सोचते रहते हो, खुद ही डर जाते हो अपने फ्यूचर को सोच के, कहीं ऐसा हो गया तो, सपोज आप किसी रिलेशनशिप में है, क्या हुआ ये इंसान मेरे जीवन से चला गया तो, क्या हुआ हमारा ब्रेकअप हो गया तो, क्या हुआ हमारे पेरेंट्स शादी के लिए नहीं माने, मतलब पहले ही वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को सोच लेते हो,
तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई कि देखो, जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर पे आप लोगों का कंट्रोल नहीं है, आप लोग का जो कंट्रोल है वो आपके अभी इस मोमेंट में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप यहाँ पे कोई एक्शन ले सकते हो जो कि आपके फ्यूचर में जाके बहुत इम्पैक्ट करेगा, राइट? तो यहाँ पे फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा मत सोचा करो, बहुत ज़्यादा मत डरा करो। एंडिंग्स अपने साथ न्यू बिगनिंग का प्रॉमिस लेकर आती हैं, तो उसके ऊपर विश्वास करो। आप पहले ही मन से हार जाते हो, तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो, खुद को डेली अफर्मेशन दो, आई एम मेंटली स्ट्रांग, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग का मून भी वीक हो सकता है, उनके चार्ट में चंद्रमा आप लोग का कमजोर हो सकता है, तो ये एक रीज़न है जिन भी लोगों का वीक होता है उन लोग के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप लोग चाहें तो मून स्टोन को भी वेयर कर सकते हैं। सच बताऊँ, मेरा भी मून वीक है, लेकिन अगेन जैसे मेडिटेशन किया, हीलिंग करते हैं ना, तो उसका फिर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो भाई आप लोग मून स्टोन को वेयर कर सकते हो एडिशनली आपको हेल्प करने के लिए। बाकी तो ध्यान करो, ठीक है? यही सारी चीज़ें हैं। सिल्वर जरूर वेयर करना, ठीक है, इन केस मून वीक है तो। मून वीक नहीं भी है तो भी इन चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लोग बिल्कुल वेयर कर सकते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है और ये है लाइफ लेसन। धीरे धीरे करके ना आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर जाओगे, अपनी डेस्टिनी से आप लोग जरूर मिल जाओगे, और जो आप सक्सेस चाहते हो अपने करियर में, वो जो मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो, वहाँ भी पहुंच जाओगे। लेकिन वैसे ही है ना, जैसे कुछ लेसन्स हैं भाई, कुछ चीज़ें सीखनी है, कुछ समझनी है, इसलिए प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है। खुद को स्ट्रांग बनाना है भाई, ऑप्शन टू ये चीज़ कही जा रही है। और देखते हैं, और एक और मैसेज यहाँ पे ये मिल रहा है ऑप्शन टू कि जीवन है ना, तो यहाँ पे सब तरीके के लोग मिलेंगे, ठीक है? अच्छा बुरा मैं नहीं कहती कि मैं किसी को बुरा बोलूँ, लेकिन कुछ आपकी एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब तरीके के लोग मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा तो आप अपने मन में हमेशा के लिए कुछ नेगेटिव ही रख लें, तो वैसी चीज़ें नहीं सोचनी है भाई, ठीक है? वॉकिंग अवे, तो कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने का वक्त है आप लोगों के लिए। मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पास्ट से मूव ऑन करो, ठीक है? जो गलतियां पहले हो चुकी हैं अभी उनको नहीं दोहराना है, लेकिन आगे बढ़ो। डोर टू रोमांस, प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। इनकेस लव लाइफ को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी यहाँ पे, तो वो सॉर्ट होंगी। रीयूनियन यहाँ पे, रिकन्सिलेशन, मैं रिकन्सिलेशन कहूँगी, रीयूनियन नहीं कहूँगी, ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए है। और कुछ लोग जो यहाँ पे बहुत टाइम से सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई न्यू इंसान, कोई न्यू पर्सन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स की भी एनर्जीज है, ठीक है, आने वाले 3 to 4 months में। ओके, चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन टू। इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। मैंने कहा ना, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में जो आपके बस में नहीं है, तो बस एक ही चीज कहूंगी कि खुश रहो भाई। जो कुछ हो रहा है ना किसी रीजन से हो रहा है, किसी न किसी वजह से हो रहा है, लेकिन एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है ना, तो भाई खुश हो जाओ, ये डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आप बस खुद के ऊपर विश्वास रखो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड है, ट्रांसेंडेंस, राइज अप ऑन योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिविंग डांस विद द यूनिवर्स। तो भाई और क्या चाहिए, महादेव की, शिव जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ गई है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करना, ऑप्शन टू। सो यहाँ पे जैसे मैसेज ये मिल रहा है कि ऑप्शन टू की अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ना भगवान जी के चरणों में जस्ट सरेंडर कर दो, उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। और जो एक होता है ना, गो विद द फ्लो की एनर्जी, की जो लाइफ में आ रहा है उसका सामना करो, उसको फेस करो, और अपनी लाइफ में उन चैलेंजेस से, उन मुश्किलों से आगे बढ़ो। सक्सेस भी, ग्रोथ भी आप लोगों को जरूर मिलेगी, ठीक है? लेकिन ये हर वक्त, अब ऐसा टाइम नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ही रोते रहे, आपको आगे बढ़ना है उनसे। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। कभी कभी जब हम अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना, तो वो ज़्यादा बढ़ती हैं। लेकिन अपना हम मन डाइवर्ट कर ले, किसी और चीज़ में लगा ले, तो वो हम हील होते चले जाते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं ऑप्शन टू क्या गाइडेंस है, और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। द डियर, बी जेंटल विद योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो, अपनी केयर करो, और खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, और ज़्यादा रोना नहीं है, और ज़्यादा परेशान नहीं होना है।
मूव ऑन करो, पता नहीं क्यों ये किसके लिए मैसेज मिल रहा है कि मूव ऑन करो, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। यूनिटी, तो यहाँ पे यूनिटी का कार्ड आया और इस कार्ड के साथ में मुझे यूनिटी का मैसेज आप लोगों के लिए मिला था। देखो ये ना, मैंने एक चीज़ कही थी कि लाइफ में अगर आपका एक एक्सपीरियंस बुरा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग बुरे हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिटी से रहो, जो लोग आपके लिए अच्छे हैं उनके साथ अच्छा बन के रहो, ये नहीं कि सबके साथ रूड बिहेवियर करना है। सबका साथ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो सब लोग डिफरेंट होते हैं भाई, है ना। आज को मेरी कोई बहन है, भाई है, तो क्या वो बिल्कुल मेरे जैसे होंगे? नहीं, वो डिफरेंट होंगे, उनका अपना एक थॉट पैटर्न है, अपना उनका सोल पर्पस है, उनका काम करने का तरीका है, उनका अपना कुछ कर्मा है। तो सब लोग अलग अलग होते हैं, राइट ऑप्शन टू, लेकिन यू नो हमें उसी में यूनिटी ढूंढनी होती है। तो बस यही मैसेज है। देख लेते हैं कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन टू, आप लोग ये मून स्टोन को वेयर कर सकते हो भाई, आपकी हीलिंग में हेल्प करेगा। एंड इसके साथ एमेथिस को या फिर लैब्राडोराइट, यू नो इन तीनों में से आप कोई भी दो मून स्टोन के साथ, यू नो मून स्टोन के साथ या तो एमेथिस या फिर लैब्राडोराइट, ये आप साथ में वेयर कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। ये हीलिंग में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू एंड डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो कान्हा जी वही यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं कि आप मेरी ही प्रोटेक्शन में हैं, मैं आपका ख्याल रख रहा हूँ, मैं आपकी प्रेयर्स को भी सुन रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स कभी कभी ही हमारी भलाई के लिए हमें कुछ चीज़ों के लिए डांट लगा देते हैं, तो बस वैसा ही है ना। तो यहाँ पे भाई यू नो अपने आप से प्यार करो और ये समझो कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो किसी ना किसी रीज़न से होता है, कुछ लेसन्स होते हैं, कुछ सीखना होता है, कुछ समझना होता है। सो इनसे आगे बढ़ो। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स टू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप परेशान नहीं हो, रिलैक्स करें, ईश्वर आपके साथ हैं भाई, कान्हा जी आपके साथ हैं, भगवान जी आपके साथ हैं। यहाँ पे शिव जी का भी कार्ड आ गया है। तो खुश रहो, ऑप्शन टू, अपना ख्याल रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप को हील करने के ऊपर ध्यान दो, यही आप लोगों की रीडिंग में आया है। ओके, जितना अपने मन को शांत करोगे, ध्यान करोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे, उतना ही हील होते चले जाओगे एंड लाइफ भी आपकी सेटल होती चली जाएगी। ओके, ऑप्शन टू। सो ये है आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।